अभी तो भाई एम्बेसी ने भी मेरे ख्याल से वही स्टेप्स लेना चालू कर दिया है ना, ये डिजिटल एपीएस भी एक नई चीज आ गई है, तो एम्बेसी भी मेरे को लग रहा है कि अपने तरीके से, मतलब अपनी तरफ से तरीके निकाल रही है कि थोड़ा प्रोसेस काम हो जाए इस पे। कुछ तेरा क्या टेक है कुछ, या क्या तेरे को क्या लग रहा है, सही हुआ है गलत हुआ है, तेरे कोई एक्सपीरियंस जो अभी आने वाले में, जैसे मैंने बताया ना कि अफनामाबाद हाँ में जी मेरा एक स्टूडेंट है जिसका 35 दिन में आ गया डिजिटल हाँ एपीएस, जी है ना, तो ये चीजें भी हो रही है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो रही चीजें। हाँ जी। पर ये एम्बेसी पूरा ट्राई कर रही है, एम्बेसी पूरा ट्राई कर रही है। हमारे जो एम्बेसडर हैं, जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज को स्पेशल मेल लिखी है कि देखो हमारे बंदे फंसे हुए हैं, डेडलाइन बढ़ा दो, वो पूरा सपोर्ट कर रही हैं। और इंस्टाग्राम पे जो इनका पेज होता है ना एम्बेसीज वाला, उधर एपीएस के डिपार्टमेंट के जो है हेड, मैं उनका नाम भूल गया, वो है जर्मन बंदे ही है, वो ना अपडेट्स डालते रहते हैं कि क्या चल रहा है। अभी उन्होंने रिसेंटली बताया कि हम अपनी वर्कफोर्स बढ़ा रहे हैं और अब हम बिल्कुल डिजिटली शिफ्ट हो गए हैं डिजिटल एपीएस पे। बिल्कुल, ये मैंने देखी, मैंने वीडियो ऑनलाइन ना इंस्टा पे। हाँ हाँ जी, तो मैं कहता हूँ एम्बेसीज के जो इंस्टाग्राम के पेज है, जो ट्विटर वाले पेज है, उन्हें फॉलो मार दो, बंदा अपडेटेड रहता है, थोड़ी मेंटल पीस बंदे को मिल ही जाती है। बाकी एम्बेसी पूरा ट्राई कर दिया, एम्बेसडर ने भी कन्विंस करके रखा हुआ है। ओके बाकी आप कह रहे हैं डिजिटल एपीएस का, वो मैं बताता हूँ पहले क्या इशू था। अब मेरे को मिला कागज वाला फिजिकल एपीएस, वो बस 5 कागज मिले यार, और उन 5 कागज में से भी 2 तो मेरे वीएफएस ले गए। अब 3 जगह अप्लाई करूंगा मैं, भाई कौन बंदा 3 आउटनामे के लिए जाएगा। हाँ जी हाँ तो बाकी कहते हैं अगर आपको और चाहिए तो 500 पर भेज दो, हाँ वही ये क्या चल रहा है। तो वो उन्होंने चक्कर ही खत्म करा दिया, डिजिटल एपीएस ले आए। जैसे हमारा मोदी जी ने बनाया डिजी लॉकर, हाँ आपकी मार्कशीटें हैं सारी वहां आ जाएगी ऐसे पीडीएफ फॉर्म में, वैसे ही ये आपको आपका एपीएस ईमेल पे भेज देंगे। अब हाँ डिजिटल एपीएस को एक और फायदा है, हमारे कई बंदों को ना वेरिफिकेशन हो रही थी पर चक्कर क्या था, वो बेचारे रहते हैं गांव गुए में, उनका कूरियर करके उनके कागज घर नहीं आ रहे थे। हाँ एपीएस से वही, अब जब डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वही कोरियर सर्विसेज गवर्नमेंट की कई बार ऐसी है कि वो पहुंचता ही नहीं है इतना। हाँ जी, तो मैं ना इन सारे बंदों को बात बताता हूँ, अगर आपको वेरिफिकेशन की मेल आती है 2-3 दिन वेट करो, अगर नहीं ना आता गूगल पे सर्च करो आपके घर के पास डीटीडीसी को कौन सा है सबसे नियरेस्ट, डीटीडीसी, क्योंकि एपीएस अपने सारे कागज डीटीडीसी के थ्रू ही भेजता है। वहां पे डीटीडीसी पर जाओ, बंदों को बोलो कि मेरा ना न्यू दिल्ली से आया एपीएस का, बंदे आपको बोलेंगे कि ट्रैकिंग नंबर दो। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ क्योंकि मैं खुद गाँव में रहता हूँ, मैंने बड़ी जानकारी थी इनकी, भाई दे दो दे दो दे दो, वो बोलेंगे कि ट्रैकिंग नंबर दो, आपने जान खा लेनी है, देखो भाई ट्रैकिंग नंबर नहीं है, एम्बेसी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेरा वीजा रहा है ना, ठीक है ढूंढ के दो, वो ढूंढ के देंगे पकड़ा देंगे, नहीं आ रहा डीटीडीसी जाओ। समझ गया मैं। नहीं ये भाई इंपॉर्टेंट बात है, अब खैर डिजिटल एपीएस अब आ रहा है तो भाई इससे तो ये भी चीज बढ़िया हो जाएगी कि अब हाँ कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ईमेल पे आपके हाथों में है भाई, ये तो बढ़िया हाँ काम हो जी, गया, ये इस बात को मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, है ना। डिजिटल का एक और फायदा है, बंदों का टाइम कब लग रहा है। मेरी दोस्त है, उसने मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले अप्लाई किया था, उसका अभी तक डिजिटल एपीएस। वही मैंने कहा ना, वही सेम यार, मेरे स्टूडेंट का 35 दिन में आ रहा है और वो हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये एक दो केसेस ही सही, लेकिन एक वो एक होप तो मिलती है ना भाई कि चलो ऐसा हो रहा है, ये अभी अभी आ रहा है, तो ये विंटर सेम में ये थोड़ी दिक्कतें चल रही है। मेरा मानना यही है कि अगले सेमेस्टर में जो ये समर सेमेस्टर वाले आने वाले हैं, इनके लिए तो दिक्कतें खत्म ही हो जाएंगी तब तक तो, है हाँ ना, जी, ये वर्क फोर्स भी बढ़ा रहे हैं, अभी डिजिटल भी हो गया और क्या ही करेंगे भाई। और बाकी भाजी मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरी रिसेंटली हुई है वीजा अपॉइंटमेंट। अब मेरी वीजा अपॉइंटमेंट हुई है वीएफएस न्यू दिल्ली में, तो अब कई बंदे होते हैं, आपका ग्रुप है, मैं हूँ उसमें भी, तो मैं काफी एक्टिव है, मैं बंदा, बंदों को ना बड़ी एंजाइटी होती है, क्योंकि आपके जमाने में जब आप गए थे कोविड की वजह से मेरे एक भाई साल तो वो हुई भाई नहीं लोगों की मेरे डेथ। जमाने में मेरे जमाने में भाई मेरे हाँ भाई मैं भाई 22-23 का कहा मेरे को बना रहे, तू कब्र पे डाल रहा है यार। तो तब वेटिंग लिस्ट होती है 9-10 महीने की, तो बंदे तब के इसी इंप्रेशन में है कि वेटिंग लिस्ट बहुत ही लंबी है। मैं ना बंदों को बताता हूँ, मेरे को मेरा एपीएस मिला था 2 मार्च को, ठीक है, मैं वेट लिस्ट हो गया 2 मार्च को, राती कितने बजे हो गया था मैं, राती 5 बजे हो गया, मैं 5 बजे हो गया था मैं वेट लिस्ट, मेरे को लिटरली 1 घंटे बाद मेल आ गई कि स्लॉट अवेलेबल है। हाँ अरे यही तो हो रहा है यार, मैं जितने अभी जो अफनामा बैच में स्टूडेंट आ रहे हैं और जो मैं जिन स्टूडेंट्स के साथ टच में हूँ, यही हो रहा है, जल्दी जल्दी वीजा अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो जो लोग हैं ना कि भाई बिल्कुल भी टच नहीं रख रहे, अपडेटेड ही नहीं है चीजों से, भाई ये रखना पड़ेगा, लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रुप पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, बहुत चीज है भाई, कनेक्टेड रहना पड़ेगा, ये सब चीज है। सही बात है, मेरे टाइम पे तो वीजा के इतने इशू होते हैं,
मैं क्या बताऊं भाई, क्या बताऊं, जो तुम अभी एपीएस के लिए कर रहे हो ना फेस, मेरे को लग रहा है वो मैंने वीजा के लिए फेस किया था भाई। रात रात 3 3 5 बजे तक भाई जग के रे देखते थे कब स्लॉट निकलेगा, कब स्लॉट निकलेगा, करो भाई करो, ये चाहे हिसाब रहता था भाई हमारा तो। बाकी भाई वीजा अपॉइंटमेंट से यही याद आया कि 1 महीने में, कि 1 महीना कह रहा हूँ, पहले 1 महीना लगता था, अब तो 1 घंटे में स्लॉट आ रही है, उसकी टेंशन छोड़ दो ठीक है। वीएफएस पे भी मैं एक और बात बता रहा हूँ, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ट्राई करना अपॉइंटमेंट बुक करना फायरफॉक्स से, अपने ब्राउजर का कैशे हिस्ट्री सब क्लियर करके, और पेमेंट का एक ही मौका मिलना, अगर आपकी पेमेंट फेल होगी ना 1 दिन तक आप लॉक रह जाओगे अच्छा ये भी है, भाई, मेरे साथ उसने लिया हुआ। अरे भाई मेरे, अरे भाई मेरे, ये चलो ये बढ़िया टिप हो गई। देख रहा है, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं वीडियो में कवर करना चाहता हूँ, ये हाँ इम्पोर्टेंट है जी, मेरे भाई, ये समझ रहे, यही। मैं ना आपको डिटेल में बताता हूँ भाई, बंदो मेरी बात ध्यान से सुन लो, वीएफएस पे ना कभी भी 2 घंटे में ना बार बार लॉग इन नहीं करना, डेस्परेट नहीं होना ठीक है। अगर तुम बार बार लॉग इन करोगे ना, इन्होंने तुम्हें लॉकआउट करा देना, फिर ये एक बार ना मारेंगे प्लीज लॉग इन आफ्टर 1 आवर, ये 1 आवर का ये पता नहीं ब्लॉक कब हटाएंगे, ऐसा मेरे साथ हुआ था, तुम्हारी अपॉइंटमेंट ही पीछे रह जाएगी ठीक है। काम करना, एक बार खोलो काम करो, और पेमेंट मैं बताता हूँ मेरा क्या चक्कर पड़ा था, मैं स्लॉट बुक कर रहा चंगा भला ठीक है, मैं पेटीएम से पेमेंट कर रहा, गलती क्या हुई, क्या हुआ, मेरे फोन पे ना हाथ बज गया, और अरे पेमेंट पे ना वो पेटीएम भी बंद हो गया, अरे तो पेमेंट मेरी होनी भाई, मैं लॉक आउट हो गया, मैं फिर से अपॉइंटमेंट बुक करूँ ना, पेमेंट लॉक आउट हो जा रही है मेरी, रात रात तक जाग के समहाउ मेरा ठीक हुआ नेक्स्ट डे फिर। अच्छा, अरे भाई ये इनसाइट बहुत बढ़िया थी, इस लोगों लोगों से इसको मतलब काफी फायदा मिलेगा, है ना। फायरफॉक्स हाँ का जी बोला, कैशे डिलीट करने को तूने बोला, और पेमेंट हाँ एक ही जी बारी में भाई बढ़िया से कर दो, वेट हाँ करने की जी जरूरत नहीं है। सही बात है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। और वैसे जब तू वीएफएस में गया था, वहां पे वीजा अपॉइंटमेंट का कैसा रहा था, सब बढ़िया चंगा रहा वहां पे? भाई देखो, अगर तो आपके कागज सही है सारे, अब हमारा ग्रुप है जो मेरा परिवार, जब मैं गया था ना तो वो आपको एक क्वेश्चनेयर देंगे, क्वेश्चनेयर तो अब मेरे पास है नहीं, बाकी जो चेकलिस्ट थी ना वो ग्रुप में जाकर मैं पिन करा दूंगा, तो जनता जी ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बड़े आराम से भाई, मैंने कितना कम्युनिटी टैब पे इतना डाल रखा है, वही चीज अभी तक फॉलो हो रही है, और वो बहुत सही चीज है। अपनी कम्युनिटी में मेरे को बढ़िया लगती है, जो बैचलर्स वाली है ना, जो हमने बना रखे हैं, बड़े वो तो है, कमालदार। तो जो मैं आपको चेकलिस्ट डाल के दूंगा ना ग्रुप में, वो मैं ना पिन कर दूंगा, तो जनता क्या करा करो, जो पिंड मैसेज होते हैं ना ऊपर, वो ना चेक करते रहा करो, जो इम्पोर्टेंट स्टफ होता है वो उधर होता, तो चेकलिस्ट का ना जो चेकलिस्ट है वो ऑफिशियल है, जो उसके अंदर है उसे रब रूप की तरह फॉलो करके लेके जाओ एकदम सीक्वेंस में ठीक है। एक भी चीज रहेगी ना, एक भी चीज रहेगी भाई, ये घर भेज देंगे, रूथलेस बंदे हैं ये, घर भेज देंगे। नहीं समझ मैं, रहा हूँ। मेरा क्या हुआ, मेरा तो सब सही था, मेरे पास एक्सटेंशन लेटर था, फिजिकल प्रेजेंस था, सब कुछ था मेरे पास, गोएथे B1 था, मेरा तो सब परफेक्ट हो गया। मेरे साथ एक लड़की थी बेचारी, वो जा रही HTW बर्लिन में, उसके पास ही सब था, चक्कर क्या था, एक्सटेंशन लेटर नहीं था, वापस भेज दिया भाई, उसने कितनी लिटरली मेहनत की होगी, हार्ट फर्स्ट ब्रेकिंग। ईयर वाला जा रही है ना, फर्स्ट ईयर हाँ से जी यार, ये चीज है, ये सब चीजें हैं यार, वो किसको इस पे ब्लेम करें ये समझ नहीं आता, समझ रहा। वो तो बहुत है, सारी बाकी चीजें हैं, बहुत सारी मैं चीजें हैं। तब भी कह रहा हूँ भाई, कनेक्टेड रहो, ग्रुप ज्वाइन करो, सब कुछ अपडेट्स ग्रुप मिलती ज्वाइन करो, रहेंगी। और वही यार कनेक्टेड रहो, मेन दिक्कत मेन वही है, तुम कनेक्टेड नहीं रहते। तुम पता है, अब तेरे को शायद ना पता हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना ग्रुप पे भी, मैं ये नहीं कह रहा ग्रुप हमारा बढ़िया है, जो मेरा हाँ जी परिवार में, उसमें भी काफी लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, वो पता है ना, वो कुछ एक दो है जो नहीं जा पा रहे हैं, उसकी वजह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं पता। तो तुम्हें वो तो भाई, है, अभी तुम जर्मनी आओगे ना, तुम्हारे साथ इतने लोग मिलेंगे, मैं भी शायद उनमें से हुआ होऊंगा, किसी और के लिए, किसी और की कहानी में, किसी और की लाइफ में, लेकिन भाई यार काफी लोग मिलते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो चीज है, वो लाइफ का पार्ट है, इसलिए वो चीज मैं मान रहा हूँ, वो चीज है। भाई वीजा अपॉइंटमेंट को लेकर ना एक और बात बताता हूँ मैं, जो आपका कोर्स है ना, कोर्स जो आपके कोर्स का कोऑर्डिनेटर है, या फिर जो आपका इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑफिस है, तो उनको ना मेल करके बोलो भाई मेरे को एक्सटेंशन लेटर चाहिए, भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपकी क्लासेस 1 महीना दूर है 2 महीना दूर है, एक्सटेंशन लेटर ले आके रखो, बीएफएस ने मांगा आपको देना ही पड़ना है, यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ जाओ भाई, मेरे को चाहिए 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 चाहिए। ये फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट कॉलेज वालों के पास तो उनका अपना भाई इनविटेशन लेटर होना चाहिए। स्टूडेंट को लेके लिए भी मैं एक बात बता रहा हूँ, आप ना
हाउफनामे के इनवाइट ले आ लो सारे, ठीक है, पर वीएफएस पे वो देना जो हाउफनामे सबसे लेट है। सबसे लेट है बिल्कुल भाई सबसे। अगर तुम मान लो तुम्हारी अभी की बात करते हैं ना, मई में, मई 15 को मान ली तुम्हारी अपॉइंटमेंट है और तुम्हारा जून के पहले या दूसरे हफ्ते में एग्जाम है, तो सेंस नहीं बनता ना यार। जुलाई मिड का यार तुम कोई एग्जाम लेके जाओ तब वो सेंस बनाता है। थोड़ा तो बफर टाइम रखोगे या नहीं रखोगे उनको वो भाई तो है, भेजने के लिए, तो वो चीज है, वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है भाई मेरे भाई। बाकी मैं एक और चीज बताता हूँ वीएफएस के, मेरे को ना याद आ रहा है क्योंकि मेरे सारे दोस्त दोस्त गए थे ना, तो सारे एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, ये बातें ना कहीं पता चलनी नहीं है, तो मेरे सारे यार हैं तो बताते रहते हैं। लैंग्वेज पीछे ना उन्होंने हाथ धो के पढ़ना। अब मेरा यार है उसके पास ग्रुप थे A2 था, अब वो यार मारा जा रहा है वी असाइनमेंट में। अब कई लोगों को पता नहीं है वी असाइनमेंट में तो लैंग्वेज की कोई लोड है ही नहीं, तो वीएफएस वाले से मांगी जा रहे हैं, भाई आप जा कैसे रहे हो, B1 तो आपके पास है नहीं, B1 तो देना ही पड़ेगा। तो मेरे यार ने क्या किया, मेरे यार गया दाद की वेबसाइट पे, दाद की वेबसाइट पे उसने लिखा हुआ है नो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। उन्होंने दिखाया, देखो भाई दाद की वेबसाइट है, आपकी अपनी वेबसाइट है, नो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। फिर वीएफएस वाले ने हार मान ली, कहते ओके जी जान दो इसकी फाइल। भाई यही चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम अपनी पोजीशन पे होने चाहिए हो कि तुम अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सको। ये बहुत सही बात, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारे पास किसी लैंग्वेज स्कूल का सर्टिफिकेट है, काफी स्टूडेंट के पास लैंग्वेज पैंथिंग जैसे सर्टिफिकेट होता है और उसके बेसिस पे उनको एडमिशन लेटर मिल चुका होता है ना, हाँ जी, इनविटेशन लेटर के आप यहाँ पे दो। अगर तुम्हारे सामने कोई गंदा आदमी टक्कर गया कि बोले भाई सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट, तो तुम अपनी पोजीशन में होने चाहिए हो, भाई देखो ये यूनिवर्सिटी है, इसने मेरा इनविटेशन लेटर मेरे को भेजा और इन्होंने मेरे को इसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे एक्सेप्ट किया है। और बाकी तो ये एम्बेसी वाले भी तो आगे भेजेंगे ना, जो यहाँ पे ऑफिसेज है, वो जो तो है, यूनिवर्सिटी वाले, तो फिर यूनिवर्सिटी वाले वेरीफाई करेंगे। तो वो एक समझ रहे हो यार, वो इम्पोर्टेंट है कि तुम बताओ अपनी सिचुएशन क्या है। हाँ पर भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, जब APS आया है ना, जब चेकलिस्ट चेंज हुई थी, चेकलिस्ट में उन्होंने स्पेशल लिखा था भाई LLP LLP नहीं चलने, अब हमें बस गोथे चाहिए। तो VFS जा रहे हो ना, गोथे लेके जाओ, अपॉइंटमेंट चाहे लेट हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उधर जाओ और घर वापस भेज दें वो। नहीं यार गोइते का तो फिर भी होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ टू बी ऑन द सेफर साइड, टू बी ऑन द हाँ जी सेफर साइड अपना एक्सप्लेन करने के लिए रहो भाई, पोजीशन वो हाँ इम्पोर्टेंट है। जी और गोइते बी में तो यार मिनिमम है, वो तो क्लियर करना ही मिनिमम, पड़ेगा। काफी लोग होते हैं एक एक टाइल नहीं हो पाती, फिर वो थोड़ा घबरा जाते हैं, तो भाई मेहनत ही उस हिसाब से करनी पड़ेगी, एक ही बारी में करना पड़ेगा। हालांकि मैं कौन होता बताने वाला, मेरा पहली बारी में खुद B1 नहीं निकला था, लेकिन पहली बारी में तेरे भाई ने B2 फोड़ दिया था, वो अलग बात है। लेकिन हाँ फिर भी यार मैं अब B का है रिक्वायरमेंट है, B1 यार होना चाहिए मिनिमम। एक और बात बताता हूँ, ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा ना एक्सटेंशन लेटर का। मान लो आपकी यूनि आपको एक प्रॉपर PDF फॉर्म में एक्सटेंशन लेटर नहीं बना के दे रही, पर अगर आपको यूनिवर्सिटी से मेल आती है ना जो कह रही है कोई नहीं आप आराम से आओ, वो मेल ना प्रिंट करा लो आपके लिए, वो भी एक्सटेंशन लेटर की जैसे ही है। बिल्कुल सही बात है, उनको कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि भैया हाँ देखो जी यूनिवर्सिटी वालों ने कहा, तो वो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ मेरे हाँ भाई जी ऑलमोस्ट हमने यार सब कुछ डिस्कस कर लिया पूरा भाई, अपने को भाई पता लग गया कि अच्छा ये APS है, ये तुम्हारा टेस्ट टेस्ट का हिसाब चल रहा है ना। भाई ने भी टेस्ट हाँ टेस्ट दिया, जी भाई के टेस्ट टेस्ट में 195 आए थे, इंग्लिश में दिया था। टेस्ट टेस्ट के लिए भी कोई टिप्स वेप्स है भाई बता दे यार, क्या कोई कोर टेस्ट की, इंजीनियरिंग मॉड्यूल की, है ना। भाई मैं कहता हूँ टेस्ट टेस्ट का क्या चक्कर है भाई, पहले तो अच्छी तरह से सो के जाओ, ठीक है, क्योंकि बंदा ना बंदे ने थक जाना, बड़ा लंबा पेपर है ये, बंदे ने थक जाना, वाटर वाटर साथ में लेके जाओ। उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चंस बेसिक है पर जो हमने 12वीं तक पढ़ा है ना, हम उसे ओवर कॉम्प्लिकेट करा देते हैं, सही बात है, जितने सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं उन्होंने सिंपल वे में करो। प्रोबेबिलिटी के है क्वेश्चन है, सबसे बेसिक वे से निकल रहे थे, मैं वेन डायग्राम बना रहा पागल हूँ मैं, बेसिक वे से सॉल्व करो भाई। नहीं लेकिन फिर भी भाई 195 आया, बढ़िया स्कोर है ना। मेरा तो जर्मन में दिया था, जर्मन में तो टेस्ट टेस्ट अलग ही लगता भाई, वो अलग ही होता है। वो तो एक है, बार आता मैं हाइडलबर्ग गया था एग्जाम देने और अलग ही कंपटीशन था उस वक्त, और मैं गया था फर्स्ट सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट को लेके, भाई वो अच्छा खतरनाक चीज है, वो मैं चीज वापस नहीं दोहराना चाहूंगा। लेकिन हाँ टेस्ट टेस्ट इंग्लिश में ईजी है, मैंने देख लिया उसका हिसाब, मेरे को पूरा पता लग गया क्या है। तो है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स बताऊं, क्योंकि मैंने टेस्ट टेस्ट दिया रिसेंटली 22 अक्टूबर 2022, तो मेरे को याद है क्या था, जेड़ा आता ना क्वांटिटेटिव का, एक तो प्रोबेबिलिटी आनी है और एक जो सम नहीं होते कि 5 बंदों ने इतने दिन में ये काम किया है तो 7 बंदे कितनी देर में करेंगे। यूनिटरी मेथड वाले क्वेश्चंस। हाँ जी, एक तो ये बड़े आने हैं, फिर प्रोबेबिलिटी के आने हैं, और कुछ क्वेश्चंस आने हैं बंदे ने देख के सोचना है ये क्या, पर ना उसे सोचो 7th क्लास के बच्चे की तरह,
बेसिक करना, हमने मेंटल बात करी एबिलिटी माँ बाप टेस्ट के साथ, यार, वो टेस्ट थोड़ी टेस्ट। करना। हाँ जी वही, सही बात है, सही बात है, सही बात है। मैं टेस्ट टेस्ट पे भी एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर इंग्लिश में, जिन्होंने एग्जाम दिया उनके मैं हाँ जो जी भी एक्सपीरियंस है वो कवर करूंगा, ताकि आप लोगों तक वो पहुंचे। बाकी भाई हमने यार काफी कुछ कवर कर लिया, सभी ऑलमोस्ट हमारा हो गया। मैं बस हाँ वीडियो जी को एंड करने से पहले मेरे भाई बस यही पूछना चाहूंगा, एक रफ एक मतलब स्टूडेंट्स को एक आइडिया दे दे, एक उनको लास्ट कोई टिप तेरी तरफ से, एक एडवाइस जो याद रखे जब वो एपीएस के लिए मे बी अप्लाई कर रहे हो है ना, और या फिर टेस्ट टेस्ट के लिए जा रहे हो। देखो यार मेरी बात सुनो, एपीएस के साथ ना पेशेंट रहना, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में, सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। अपना ना थोड़ा स्ट्रेस टॉलरेंस बना लो, क्योंकि ये एपीएस है, आपने जर्मनी आना, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से ना आदत डाल लो कि तुम क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो। ठीक है, कल्ली कल्ली चीज़ पासपोर्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर अच्छे से डालना, अकाउंटेबिलिटी लो, ठीक है, क्योंकि इधर कोई इशू सही नहीं करने वाला। पेमेंट करनी है अच्छे से करनी है, एक बार में करनी है, वरना बैंक के धक्के खाओगे और पेमेंट कंफर्मेशन को ये रोते रहोगे। रिस्पॉन्सिबल होके जाना, ठीक है, सब कुछ सही सुई करना है। वीडियो को चाहे 5 बार ही देख लो, वीडियो 5 बार ही देख लो, मोर देन सफिशियंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है, इसे 5 बार ही देख लो अप्लाई करने से पहले भी। सब कुछ नोट नोट करो और ध्यान से करो, मैं तो बस ये बोलूंगा। बाकी रब रखे रहो, प्रे करते रहो, सब सही सही में होगा। यार, सही भाई, सही में मैं सबके लिए वही प्रे करूंगा भाई, सब अपना बढ़िया से करना है यार, बढ़िया से, जिनका सही में मन है कि उनको जर्मनी आना है यार, यहाँ पे फिर पढ़ना है यार, हमारी सब दोनों की बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है ना भाई। अभी अभी बी एस एम इंट आ रहा है शाहरुख खान में भाई, मिलेंगे जरूर मिलेंगे, काल फ्रो कभी आना हो तो मेरे को भाई बिल्कुल बताना, मैं शाहरुख खान आऊंगा तो मिलूंगा, बहुत बड़े आ रहे हैं यार शाहरुख खान में, सैटेलाइट साइड का बड़ा मजा आएगा है ना। लेकिन थैंक यू सो मच यार ये चलो वीडियो कवर करने के लिए, मेरे को ये वेलकम सही में भाई, बनानी थी, मेरे को सही में बनानी थी, क्योंकि ना बहुत लोग ये डिमांड कर रहे थे, और ये बड़ा ना वैसा सा टॉपिक है, मैंने कहा कि बड़ा आ जा रखा, और वो डिमांड में तो है ही, लेकिन वो है हाँ कि जी, सभी इसके पीछे भी रो रहे हैं, समझ रहा है, तो हाँ यही एक चीज है जो मेरे को लग रहा है कि बाकी तो फिर ये है ना कि बाकी तो तुम्हारी मेहनत है, एग्जाम कैसे फोड़ना और वो सब, ये एक चीज है जो अनप्लैंड है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है एपीएस वाला, तो इसलिए जी मेरे को ये था कि भाई कवर करूं। मैं एक दो बंदों से और इंटरव्यू लूंगा, उनके एक्सपीरियंसेस जानूंगा, वो भी मैं जल्द डालूंगा है ना। तो थैंक यू हाँ सो जी मच यार देखने के लिए वीडियो, मेरी और बासुल की तरफ से बाय बाय, चूस बाय।